सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च हुई यामाहा एफजेडएक्स के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, यानी कि इस बाइक के कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस बाइक को परचेज करने का मूड बना रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एज अ ऑनर आपको इस बाइक के बारे में हर चीज जानना जरूरी है। सो मैं हूं आपका होस्ट कुंदन वर्मा और आप देख रहे हैं अपना ऑटो चैनल इसके मोटर वर्ल्ड। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं यामाहा एफजेडएक्स के फर्स्ट एडवांटेज से, जो है इस बाइक का इंजन। तो इस बाइक का इंजन आपको काफी ज्यादा रिलायबल और स्मूथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप इस बाइक को लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बाइक का इंजन काफी ज्यादा रिलायबल इंजन में से एक है। साथ में इस बाइक का इंजन काफी ज्यादा स्मूथ भी है, जिससे आपको एक कंफर्टेबल राइड देखने को मिलता है, जो है यामाहा एफजेडएक्स का फर्स्ट एडवांटेज। बात करते हैं इस बाइक के सेकंड एडवांटेज की, जो है फीचर्स। तो इस बाइक में आपको जरूरत के लगभग सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लैम्प, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्लॉक, टैकोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट अथवा इंजन किल स्विच, जो है इस बाइक का सेकेंड एडवांटेज। वहीं थर्ड एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो है यामाहा एफजेडएक्स का माइलेज। तो यह बाइक आपको काफी आराम से 40-45 केएमपीएल के बीच का माइलेज देने में सक्षम है। वहीं अगर आप इस बाइक को और ज्यादा कंफर्टेबली होकर चलाते हैं तब यह बाइक आपको आराम से 50 केएमपीएल तक का भी माइलेज देने में सक्षम है, जो है इस बाइक का थर्ड एडवांटेज। तो यामाहा एफजेडएक्स के फोर्थ और लास्ट एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो है इस बाइक का टायर सेक्शन। तो इस बाइक का फ्रंट टायर आपको 100x80 सेक्शन का और इसका रियर टायर 140x60 सेक्शन का देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो इस सेगमेंट के हिसाब से वाइडर है, जिससे इस बाइक का रोड ग्रिप काफी ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस सेगमेंट में और दूसरे स्पोर्ट्स बाइक आपको इस बाइक से थोड़े पतले टायर्स ऑफर करते हैं, जो है यामाहा एफजेडएक्स का फोर्थ और लास्ट एडवांटेज। तो दोस्तों, ये थे यामाहा एफजेडएक्स के कुछ एडवांटेज। तो अब इस बाइक के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस बाइक का फर्स्ट डिसएडवांटेज है इसका सीट हाइट। तो इस बाइक का सीट हाइट आपको 810mm का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका हाइट 5.5 इंच है या फिर इससे ऊपर है तब तो आप इस बाइक को आसानी से राइड कर सकते हैं, वरना अगर आपका हाइट 5.5 इंच से नीचे है तब आपको इस बाइक को राइड करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, जो है इस बाइक का फर्स्ट डिसएडवांटेज। तो अब यामाहा एफजेडएक्स के सेकंड और लार्ज डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो है इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165mm का देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो इंडियन रोड्स के हिसाब से थोड़ा कम है। तो अगर आप ज्यादातर गांव वगैरह में आते जाते रहते हैं या फिर आपके एरिया के रोड्स खराब है तब आपको ये बाइक थोड़ी दिक्कत देने वाली है, जो है इस बाइक का सेकंड और लार्ज डिसएडवांटेज। सो गाइस, इन दिस वीडियो इट्स ऑल अबाउट यामाहा एफजेडएक्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपको यह बाइक कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि वहां पर हम लेटेस्ट कार्स और बाइक अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी देन गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।